हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबकी सिफारिश वापस ले लेंगे, जाओ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा संकेत। शिवपाल समेत सभी बागियों की सदस्यता नहीं होगी रद्द। अखिलेश के संकेत के बाद तैयारी में जुटी सपा। सबकी सिफारिश वापस ले लेंगे, जाओ। अखिलेश ने सियासी हवा के रुख को पहचान लिया है, जान लिया है, समझ लिया है। कुछ तो उन्होंने रणनीति बनाई है जो बेहद ही धारदार होने वाली है। कुछ तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से बात हुई होगी, कुछ तो मुलायम ने सियासी गुणागणित की रणनीति समझाई होगी। समझ में बात आई तो अखिलेश ने इशारों इशारों में क्या बात की वो सुन लीजिए। जो आना चाहे हम पार्टी में शामिल कर लेंगे, जो आना चाहे आंख बंद करके। मुलायम के सपा परिवार में रार किसी से छिपी नहीं है। तकरार पर तकरार के बाद अरसे बाद संकेत के तौर पर आया है। पहले परस्पर ने सुलह के संकेत दिए। परिवार में तो हमारी तरफ से तो पूरी गुंजाइश है। पहले भी थी और फिर है। और लेकिन षड्यंत्रकारियों को कैसे ठीक किया जाए, कुछ लोग षड्यंत्रकारी भी तो होते हैं ना। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नरमी बरती है। जो वापस आना चाहते हैं उसके स्वागत के सिद्धांत को अपनाया है। अब सपा इस नई स्थिति में नई सियासी परिस्थितियों को भाप कर आगे कदम बढ़ाने में लगी है। सपा शिवपाल सिंह यादव सहित तमाम बागियों की सदस्यता रद्द नहीं करेगी। माना जा रहा है कि राम गोविंद चौधरी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के सामने शिवपाल की सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस लेने की तैयारी है। सबकी सिफारिश वापस ले लेंगे, जाओ। संतुष्ट नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ नहीं किया तो हम इनकी सबकी वापस ले लेंगे, बताए तब संतुष्ट हैं आप? अखिलेश से ये सवाल पूछा गया है। सवाल यही था, बगावत करने वाले तत्कालीन राज्यसभा सदस्य अमर सिंह और विधायक नितिन अग्रवाल की सदस्यता खत्म करने की याचिका नहीं दी गई। अखिलेश ने यही कहा कि वो सबकी सिफारिश वापस ले लेंगे। संतुष्ट, आप कह रहे हैं कि हमने उनके खिलाफ नहीं किया तो हम सब की वापस ले लेंगे। अब इसे बागियों की सपा में वापसी के संकेत समझा जाए या फिर पत्रकार के सवाल पर बस वैसे ही ये जवाब है जो ये दर्शाने का तरीका हो कि उनका सवाल सवाल की कैटेगरी में आता ही नहीं। वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त रहते सब कुछ पता चल जाएगा। तुम कल पूछा था ना तुमने, मैंने कितने बच्चे बताए थे अपने? बस शांत रहो। मतलब कैसे हो आप? ये बताओ उन्हें क्यों चिंता है जिनके परिवार नहीं है, क्यों चिंता है उन लोगों को? देश में अगर फिर आप ये कहते कि हमें ह्यूमन वो क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड सबसे ज्यादा हमारे पास है, अच्छा है, हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी धोखे के अलावा कुछ नहीं दे सकती। धोखा चाहिए भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ आप। अभी दो लोग और हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।